हेलो फ्रेंड्स, हम बनाएंगे डोमेस्टिक एनिमल्स। हमने पिग सीखा था लास्ट वीडियो में, एक सर्कल, उसके दो ईयर्स, टू आईज, एक ओवल और दो नॉस्ट्रिल्स। आप चाहे तो एक स्माइली बना सकते हैं, साथ में एक ओवल बनाएंगे जहाँ इसका फेस और स्टमक जॉइन हो रहा है, वहाँ से एक लेग, दूसरा लेग, एकदम लास्ट बैक साइड से एक लेग, दूसरा लेग छोटा, और इसकी टेल बनेगी ऐसे। इसी के साथ में हम बेबी पिग बना सकते हैं। बेबी पिग के लिए फेस थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, सर्कल स्मॉल, टू आईज, ओवल, टू आई नॉस्ट्रिल्स, टू ईयर्स, ओवल, ये पीछे खड़ा है तो हम इसको हाफ बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। इसके लेग्स थोड़े छोटे बनाएं। अब टेल के लिए स्पेस तो नहीं है, बट ट्राई करते हैं। ओके, हमें फार्म हाउस की तरह दिखाना है तो फेंसिंग बनाएंगे। फेंसिंग के लिए मैंने पहले भी बताया था, 1-1 जो हमने गार्डन सीन बनाया था उसमें 1-1-11 लिखा, स्लिपिंग लाइन और ऊपर ऐसे ए, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही आपको दूसरी फेंसिंग स्टिक बनानी है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम तीसरी बनाएंगे और यहाँ पर चौथी। इसकी टेल यहाँ थोड़ी टच हो रही है, बट वी हैव टू मैनेज इट। ओके, अब हम यहाँ बनाएंगे एक हैन का हाउस, ट्रायंगल, स्क्वायर, और इसको हाउस की तरह ये पूरा नेटेड होता है, इसमें जाली होती है, तो हम कुछ स्लांट लाइन लेफ्ट में, सॉरी, और स्लांट लाइन राइट साइड से, इस तरह से हम इसमें जाली दिखाएंगे। आप चाहे तो कलर्ड स्केच पेन से भी ये जालियाँ बना सकते हैं। इसमें एक डोर, ऊपर से राउंड सर्कल, यहाँ भी आपको बहुत फाइन फाइन लाइंस डालनी है। इस लाइन की कंटिन्यूटी में ही यहाँ वाली लाइन आएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत परफेक्ट पिक्चर लगेगी। यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं और पिक्चर की ब्यूटी ख़त्म होती चली जाती है। यहाँ हम हैन बनाएंगे। हैन बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन, उल्टा सेमी सर्कल, यहीं से एक सीधा सेमी सर्कल, वी लिखा, आई बॉल, ऊपर एक लीफ की तरह, फ्लावर की पेटल कह लीजिए, उस तरह से बनाएंगे, लेफ्ट राइट। यहीं पर हम दूसरी हैन बनाएंगे जिसको इधर की फेसिंग से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कई बार होता है पिक्चर में थोड़ा सा डिफर, अब देखिए इसकी इस टेल में डिफर है, इट्स ओके, उससे पिक्चर नेचुरल लगने लगती है। यहाँ हम इनका नेस्ट की तरह कुछ दिखाएंगे और उसी में एग्स रखे हुए दिखाएंगे, राइट, कुछ स्टिक्स यहाँ गिरी हुई है,
ये जो फेंसिंग की हमारी लाइन थी इसको हम यहाँ से यहाँ कंप्लीट करेंगे और फेंसिंग स्टिक्स भी फिनिश करेंगे। अब यहाँ हम बैक साइड में कुछ ट्री दिखाएंगे। ट्री बनाने के लिए आपको देखिए बहुत ध्यान से, टू स्टैंडिंग लाइंस बनाते हैं हम और थोड़ा सा उसको राउंडेड करते हैं, फिर बीच में वी लिखते हैं। ये वी यहाँ टच नहीं नहीं करने हैं, स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए इस वी को इन स्टैंडिंग लाइन से टच नहीं करना है। अब इससे थोड़ा नीचे से स्टार्ट करेंगे इस तरह से राउंड 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 क्लाउड की तरह, और इसको यहाँ से इस तरह से आप इसका बेस बना सकते हैं। ठीक है, कुछ हाफ ट्रीज दिखाएंगे जो इसके पीछे चले गए। ओके, यहाँ इसके ऊपर पीछे बैक साइड में ट्री बनाने के लिए इसका जो ट्रंक है वो हम देखेंगे कि पिक के पीछे चिप गया, बाकी ट्री यहीं से बन गया है। अब देखिए कहीं से कहीं तक ये नहीं लगेगा कि हमने ट्री नहीं बनाया है। ओके, और एक ट्री हम यहाँ बना लेते हैं ताकि ऐसे लगे फार्म हाउस के चारों ओर काफ़ी ग्रीनरी है। राइट, सीधा सी उल्टा सी, 1 2 3 बिग सेमी सर्कल स्मॉल सेमी सर्कल, कुछ बर्ड्स दिखा सकते हैं। यहाँ हम काउ बनाएंगे, ग से गमला, उसको ओवल से ज्वाइन करेंगे, सीधा सी अंदर आए, उल्टा सी अंदर आए, टू आईज टू नॉस्ट्रिल्स। आप आंखें कैसी भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है मैंने बनाई है आपने वैसी ही बनानी है। आपने कोई और डिफरेंट शेप देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक गाय का हम्प निकालते हुए एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इस रेक्टेंगल का फ्रंट बिग लेग से ज्वाइन करेंगे और उसी के साथ में एक थोड़ा छोटा लेग बनाएंगे। लास्ट साइड पर एक बड़ा लेग और उसी के साथ में एक छोटा लेग। यहाँ से टेल, यहाँ कुछ घास खा रही है इस तरह से आप, या इस तरह से ग्रासेस का बंच भी दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पर गाय के कुछ पैचेस बना देंगे, जो कलरिंग करे तो थोड़ी गाय में कुछ ब्यूटी आ जाएगी। राइट, अब हम यहाँ दूध का कंटेनर दिखा सकते हैं। फार्म हाउस है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, तो डोमेस्टिक एनिमल्स कहीं ना कहीं अर्निंग में काम आते हैं, तो हम गाय से दूध मिलता है, हेन से एग और फिर मिलते हैं, और यहाँ इसका हैंडल दिखा सकते हैं। यहाँ हम बनाएंगे शीप। शीप बनाने के लिए बस क्लाउड की शेप बनानी होती है। यहाँ वी लिखेंगे आई और एक राउंडेड एम बना देंगे तो उसके दो कान बन गए, और फ्रंट में टू लेग्स, लास्ट में टू लेग्स। जब भी हम कोई एनिमल बना रहे तो आप ध्यान दीजिए बिल्कुल सामने दो पैर बनाते हैं पीछे दो पैर बनाते हैं। मोस्टली बच्चे उसे गड़बड़ी यही होती है कि पैरों को यहाँ बीच में शिफ्ट कर देते हैं, तो जो भी उनकी बॉडी शेप होती है बॉडी शेप के फर्स्ट पार्ट में फ्रंट वाले पार्ट में दो पैर और बैक वाले पार्ट में दो पैर बनाना है। इसकी टेल इस तरह से क्लाउड की शेप। अब ये एक तो नहीं होती है तो हमें इसके साथ में कुछ और शेप दिखाएंगे इस तरह से,
टच करते हुए बनाएंगे। ये दूसरी शेप बन गई हमारी। इसके फ्रंट वाले टू लेग्स तो हमें नज़र आ रहे हैं, बट बैक वाले नहीं नज़र आएंगे क्योंकि कहाँ गए वो, इस फ्रंट वाली शेप के पीछे छिप गए। टेल भी थोड़ी नज़र आ रही है हमें। ओके, एक और आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बस ये जो मर्जिंग है ना, एक के पीछे एक पिक्चर बनाना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत सिंपल होता है, और यहीं हम डर जाते हैं। यही चीज़ यहाँ आपको कैच करनी है। पिक्चर कोई भी कैसी भी बना सकता है, जो एक के साथ एक ये जो फिगर बनी हुई है, यही हमें बनानी आनी चाहिए। जैसे यहाँ हमने बनाया था पिक के पीछे ट्री बनाया था, पीक के पीछे फेंसिंग चली गई है, फेंसिंग पीछे वाली हमने ड्रॉ नहीं करी है। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। स्पेशली हमने गाय के मिल्क ग्लैंड बनाने रह गए थे, वो बना लेते हैं। मैंने आँखों को थोड़ा सा सेट करा है। ओके, फिर हमें कहीं ना कहीं कुछ ग्रीनरी दिखानी होगी। फार्म हाउस है, पूरा ग्रीन एरिया होता है, बट कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी बुशेज हैं, फ्लावर्स हैं। ये बनाने से पिक्चर में ओरिजिनल लुक आ जाता है। तो जहाँ भी छोटी बुशेज, फ्लावर्स, बटरफ्लाई आप बना सकते हैं, उस तरह के पार्क सीन में, गार्डन सीन में, फार्म हाउस में, जंगल में, जो भी फॉरेस्ट सीन बना रहे हैं आप, तो ये ज़रूर बनाएं, उससे पिक्चर में रियलिटी आ जाती है। यहाँ भी हम अब इस फ्रंट पार्ट को ऑक्यूपाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैंने क्या बताया था कि आपने बस ऐसे लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, कम इन गो आउटसाइड, इस तरह से करके बुशेज बना लेनी है, और इस तरह से फ्लावर्स बना लीजिए आप। अब किसी भी तरह के फ्लावर्स बना सकते हैं। W बना के बिग ओवल बना, बिग सेमी सर्कल बना लिया, इस तरह के आप लीली फ्लावर्स बना सकते हैं। बहुत सिंपल बनाइए, पिक्चर बड़ी होती है, उस समय ध्यान रखिए कि इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो। तो बहुत सिंपल टेक्निक वाले फ्लावर्स आप बनाइए, सिंपल टेक्निक वाली बुशेस बनाइए, नहीं तो क्या होगा, सारा टाइम उन सब चीज़ों को कलरिंग करने में ही चला जाता है। तो बहुत बहुत इस बात का ध्यान रखना है आपको हर बार, कि हमें टाइम वेस्ट ना हो हमारा, इस तरह का कुछ सीन बनाएं हम। और मैं डायरेक्ट स्केच पेन से कर रही हूँ, आप चाहे तो एनिमल्स पहले पेंसिल से बना लीजिए और फिर बाद में जो बाकी बैक सीन है वो आप फिर डायरेक्ट स्केच पेन से बना लीजिए, यदि आपको बनाने में कंफर्टेबल होता है तो। नहीं तो पूरा पेंसिल से बनाइए और उसके बाद में आप उसको स्केचिंग कीजिए, और एक्स्ट्रा वर्क इरेज करने के बाद ही कलरिंग स्टार्ट करेंगे, राइट? तो हमारा ये फार्म हाउस सीन रेडी है। ये देखिए हमारा फार्म हाउस सीन रेडी है, डोमेस्टिक एनिमल सीन कह सकते हैं इसे, हम फार्म हाउस कह सकते हैं। इसमें से छोटी छोटी सी चीज़ें हम पिक कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन को सिखा सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें कलरिंग करना आपको बताऊंगी। टिल देन थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत सिंपल टेक्निक्स है, बच्चों को इससे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू, बाय बाय।